हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कोलरस लॉ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज गिवन हैं और हमें इनकी हेल्प से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पता करनी है तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यूज को लिख लेते हैं और हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम अपनी डिजायर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखती है तो कोहलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होगी अमोनियम आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और हाइड्रोक्साइड आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के लेकिन क्वेश्चन में हमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज नहीं गिवन है इस केस में हम गिवन सब्सटेंस के डिसोशिएशन की रिएक्शंस को लिखकर उनको इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि हमें हमारी डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाए यदि हमें हमारी डिजायर्ड इक्वेशन बनानी है तो हम इक्वेशन वन में ट्वाइस ऑफ इक्वेशन थ्री को ऐड करके सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसे टू से डिवाइड कर दें तो हमें हमारी डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी इस तरह की प्रक्रिया को आप पहले भी हैस लॉ के अंडर में पढ़ चुके हैं जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एंथेल्पी को पता करते हैं यदि हम इस इक्वेशन की हेल्प लें तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी बेरियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस ट्वाइस ऑफ दी अमोनियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई टू के इसे हम सॉल्व करें तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है टू फिफ्टी वन पॉइंट फोर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तो चलिए हमने इस टॉपिक में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको समराइज़ कर लेते हैं हमने पढ़ा है कि किसी भी सेल का कंडक्टेंस जी वन बाई आर के इक्वल होता है वहीं सेल की कंडक्टिविटी कप्पा कंडक्टेंस जी इन सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार के इक्वल होती है डिफ्रेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं जिसे हम लैमडा एम से डिनोट करते हैं जो कि इक्वल होती है कंडक्टिविटी इन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई मोलरिटी के कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसे हम लैमडा ई क्यू से डिनोट करते हैं जो कि इक्वल होता है कंडक्टिविटी इन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी के यदि हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी पता करना है तो उसके लिए हम कोहलरॉस लॉ का यूज करते हैं कि कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इक्वल होता है सम ऑफ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ एंड एनायंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट और किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की वैल्यू को हम मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज के टर्म्स में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू लैमडा एम डिवाइडेड बाई लैमडा एम नॉट अब तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं